मेरा नाम है ज्योति एंड वेलकम टू फूड फूड यूट्यूब चैनल। आजकल काफ़ी समर सीज़न चल रहा है और ज़्यादा मिर्च मसाला खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। इसमें क्यों नहीं आज कुछ सैलड बना जाए कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लेके। और हाँ, आम का भी सीज़न ऑन है तो मुझे लगता है आम और सैलड को कंबाइन कर लेना चाहिए। आज मैं अपने सैलड में यूज़ कर रही हूँ कच्चा आम। ऐसे वो विटामिन सी में भी काफ़ी अच्छा है तो आपको गर्मी में काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स जो आज यूज़ कर रही हूँ काफ़ी फ्रेश है। कच्चा आम ग्रेटेड, ककम्बर, स्लाइस अनियन, स्लाइस रेड पेपर है तो आपकी मर्ज़ी, आप ग्रीन पेपर यूज़ कर सकते हैं, रेड पेपर, येलो पेपर, मैंने रेड और येलो यूज़ किया है। शहद, सोया सॉस, ऑलिव ऑयल, हाई चिली सॉस है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ भुनी हुई मूँगफली का पाउडर, मैंने कच्ची मूँगफली को थोड़ा भुन के थोड़ा सा उसे रफली कूट लिया है, आपकी मर्ज़ी है आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटेड गाजर, ग्रेटेड गार्लिक, कोरिएंडर, मिंट और नमक। सो वी स्टार्ट विथ ड्रेसिंग फर्स्ट। ड्रेसिंग के लिए हम पहले ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे शहद। शहद भी आपको गर्मी में काफ़ी ठंडक पहुंचाएगा। देन सोया सॉस एक चम्मच, देन आई ऐड थाई चिली सॉस, मैंने जैसे आपको बोला, आप अगर आपके पास नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसमें हम थोड़ी सी लहसुन ऐड करेंगे, बहुत थोड़ी मात्रा में, और थोड़ा सा नमक। इसे हम बहुत अच्छे से स्टेयर करेंगे क्योंकि ड्रेसिंग सैलड का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, ड्रेसिंग में ही काफ़ी सारे फ्लेवर्स आने चाहिए तो इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना होगा। हम अभी वेजिटेबल्स ले लेंगे। पहले वील टेक ग्रेटेड कैरी, कच्चा आम, ककम्बर, अनियन, कैप्सिकम। मुझे कैप्सिकम की क्रंचीनेस बहुत पसंद है सैलेड में, तो ये आपके ऊपर है, आप जितना भी डाल सकें। येलो कैप्सिकम, गाजर, इसमें आप अपने पसंद के वेजिटेबल्स, पनीर, ग्रिल चिकन, ग्रिल प्रॉन्स, बीन स्प्राउट्स, कोई भी प्रोटीन आपको ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरक, थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली ऐड करेंगे इसमें, अच्छा अच्छा से मिक्स करेंगे इसे। अभी क्योंकि मुझे इमीडिएटली सर्व करना है तो मैं अभी इसमें ड्रेसिंग डाल रही हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको पता है आपके मेहमान बाद में आने वाले हैं तो आप इसे ड्रेसिंग और सैलेड को ऐसे ही फ्रिज में रख दें ताकि जब भी मेहमान आए जल्दी से इसे मिक्स करके सर्व कर सके। अभी हम मिक्स करेंगे इसमें ड्रेसिंग। थोड़ा ये भी ध्यान रखना होता है कि ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, नहीं तो फिर सैलेड बहुत सॉगी हो जाता है, हमें थोड़ी सी सैलेड को क्रंची रखना है। हमें अच्छे से मिलाना है, मिक्स इट रियली वेल। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा सैलेड इज रेडी टू सर्व, इसे एक सैलेड बाउल में सर्व करेंगे। दिस इज सच अ कलरफुल सैलेड विद ऑल द ग्रीन, रेड, येलो, वाइट। समर में इतना फ्रेश खाने का मन करता है क्योंकि अब रेडी इतनी हीट है बाहर, तो यू आर नीड सम कूलिंग एजेंट्स। अब हम इसे सजाएंगे विथ कोरिएंडर, धनिया, थोड़ा सा मिंट। आप इसमें अपनी पसंद के हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक बेसिल, पार्सले, सेलरी, ये आपकी चॉइस है। और भुनी हुई मूंगफली, मुझे थोड़ा खट्टा टेस्ट बहुत पसंद है तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर रही हूँ, अगेन ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। Voila, ready to serve. So friends, अगर आपको ऐसी ही झटपट रेसिपीज और इंटरेस्टिंग रेसिपीज चाहिए प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन बिलो।